चंदोसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष ने नगर को स्वच्छ रखने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए सफाई कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय कोरोना वायरस का असर पूरे विश्व के साथ भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए जनपद संभल की चंदोसी में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी ने नगर को स्वच्छ रखने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले 20 सफाई कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इंदु रानी के साथ अधिशासी अधिकारी राजकुमार और सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह भी मौजूद रही। इस विषय में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी ने बताया कि नगर को साफ स्वच्छ रखने के उद्देश्य से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वालों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यहाँ पे डोर टू डोर रिक्शो का उद्घाटन किया है, घर जा जाकर कूड़ा लेंगे लोगों से, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब ये कि अभी तक तो हमने 7-8 वार्ड का करा रहे थे, हम डोर टू डोर ट्रायल में था हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत जनता खुश है, वार्ड के लोग बहुत खुश है, प्रसन्न है कि हमारे डोर टू डोर वाले आ रहे हैं और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है नगर पालिका की। तो हमने कहा पूरे ही वार्ड में, हम 2500 वार्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि जनता को भी लाभ हो और सबको आसानी रहे, कूड़ा घर से जाएगा, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। जनता से मेरी अपील यही है कि वो अलग अलग कूड़ा, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग दे ताकि हमारी सफाई व्यवस्था और सुचारू रूप से हो जाए और कहीं भी कूड़ा हम नहीं चाहते कि जो घर से लेकर के कहीं भी कर देते, ये कूड़ा उनको व्यवस्थित लेके जाएंगे अपना जहाँ इनका स्थान वहाँ लेके जाएंगे। पूरी टीम प्रत्येक वार्ड में जाएगी और प्रत्येक वार्ड में करेगी, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है कि चंदोसी जो हम कहते हैं चांद सी चंदोसी बनाने का प्रयास है, उसमें आप सबका सहयोग, सभी का सहयोग अपेक्षित है।